हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी हैली शाह क्यों नहीं म्यूज़िक एल्बम का ऑफ़र जो है उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट वो अभी शूटिंग क्यों नहीं कर सकती, इसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड राहुल सूर्या एंड हैली शाह का अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, क्या उनका कोई इश्क में जो सीज़न 3 में वो आने वाले हैं, सारे के सारे अपडेट्स इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, हमारी हैली शाह के अभी जो है इश्क में मजा सीजन 2 चल रहा था ना, कि शूटिंग चल रहा था, रनिंग में था शूटिंग, तो तब जो है ना हमारी हैली शाह को बहुत सारे एडवर्टाइज का ऑफर आए थे, जिसमें से उन्होंने दो चार एडवर्टाइज के ऑफर्स को जो है उन्होंने जो सिलेक्ट कर लिया था, कि एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने जो है जब इश्क में मजा सीजन 2 ऑफ ईयर हो गया, उसके बाद से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स कर रही थी, बट अभी वो अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कर रही है। कि उनको जो एडवर्टाइज के ऑफर्स आए थे, वो एडवर्टाइज के ऑफर्स का भी जो है वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स ही कहते हैं ना उनको। पेंडिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है पहले से जो सिलेक्ट किया हुआ, एक कहा गया एक सिलेक्ट किया हुआ प्रोजेक्ट, वही को उसी को ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स वो अभी पूरे कर लिए धीरे धीरे, एंड अभी वो क्यों नहीं कर सकती शूटिंग। तो अभी फैंस जो है क्यों नहीं कर सकती, मैंने तो आप लोगों को बता दिया क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी फ्री, अभी वो 2 महीने कि सितंबर तो अभी चल ही रहा है, एंड जो अक्टूबर है वो मंथ भी वो जो है फ्री नहीं रहने वाली, एकदम बिजी रहने वाली अपने प्रोजेक्ट्स में, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद बता दें, उसके बाद हमारे फैंस जो है ना गुस्सा हो जा रहे हैं हैली शाह से, वो बोल रहे हैं कि हैली इतनी क्या बिजी हो गई, ये एक म्यूज़िक एल्बम का शूटिंग तो दो दिन चार दिन एक हफ्ते में ही कम्प्लीट हो जाता है, कोई कोई का 2 दिन, कोई कोई का 4 दिन, कोई कोई का 1 हफ्ते, 7 डेज लग जाते हैं। तो हमारी जो हैली शाह है वो ये 2 दिन का भी शूटिंग नहीं कर सकती, तो ऐसा करके सब सारे के सारे फैंस जो है नाराज़ हो रहे। बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हैली शाह का भी प्रॉब्लम देखो ना, आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो लोग आपके प्रॉब्लम को देखेंगे ना, आपके जो आप चीज़ नहीं कर सकते उसको नहीं देखेंगे। तो हमारे फैंस जो है वैसे ही कर रहे हैं, जो हैली शाह का जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग नहीं देख रहे हैं, उसको वो लोग आगे नहीं रख रहे, वो लोग जो है म्यूज़िक एल्बम को आगे रख रहे हैं। तो म्यूज़िक एल्बम कभी ना कभी हो जाएगी। अभी तो हमारे राहुल को हम लोग देख पा रहे हैं ना, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के जो फंक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था, कितना मज़ा आया था ना। तो वैसे ही हमारे राहुल को तो हम लोग देख रहे हैं कभी लाइव पर, कभी तो यहाँ पर वहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसमें फिर गुस्सा होने की क्या बात है, म्यूज़िक एल्बम कभी ना कभी आ जाएगी। एंड शो की बात है, शो तो आ ही जाएगी कुछ ही दिनों में, मतलब कि 6 महीने या फिर 1 ईयर में आ जाएगी, एक साल में। तो हमारे फैंस जो है बिल्कुल भी ना एकदम कैसे अजीब से हो गए, एकदम नाराज़ हो गए, हैली शाह से बैठ गए कि इतनी छोटी सी चीज़ वो नहीं कर सकते। एंड राहुल सुधीर का इट्स करेंट टाइम, वो अभी अपने सिस्टर के साथ मुंबई आए हैं, परसों ही वो आए हैं। हमारे राहुल सुधीर मुंबई आ चुके हैं, अभी वो मुंबई पर घूम रहे होंगे, एंड राहुल सुधीर फ्री है बट हैली शाह भी फ्री नहीं है। तो हम लोग उनसे झगड़ा करेंगे, उनको ऐसा वैसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ये उधर उधर के प्रोजेक्ट कर रही है, हमारे पसंद के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे कुछ भी बोलेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस है वो, उनको हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो कुछ हम लोग नहीं बोल सकते, बट कुछ फैंस है एकदम बदतमीज़ी कर रहे हैं लाइव पर। कल जो MKB लाइव वाले लाइव आए थे, अकेले ही लाइव आए थे, तो उनसे उन्होंने वहाँ पर उन्होंने जब ही कह दिया, जो रियाज का म्यूज़िक एल्बम में एक सैड सॉन्ग थीम सैड सॉन्ग रहेगा, तो वो लोग जो गुस्सा होने लग गए, फिर वो लोग लिखने लग गए, कमेंट पे लिखने लग गए लाइव के दौरान, वो लोग लिखे कि हम लोग को रोमांटिक वाला एक सॉन्ग चाहिए या फिर हैप्पी वाला बनना, हम लोग हिट नहीं बनाएंगे, अगर हिट नहीं बनाओगे तो और नहीं आएगा म्यूज़िक एल्बम, रियाज की और म्यूज़िक एल्बम कभी ही नहीं आएगी। अगर MKB लाइव वाले की म्यूज़िक एल्बम अगर हिट नहीं गई, तो ऑल इन वन प्रोडक्शन हाउस वाला जो वहाँ से जो हमारा म्यूज़िक एल्बम आने वाला था वो भी कैंसिल हो गया, समझ लेना कि कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर एक म्यूज़िक एल्बम अगर किसी की हिट नहीं गई तो दूसरी थोड़ी ना जाएगी। अगर एक शो अगर इश्क में मजाओं सीज़न 1 अगर हिट नहीं जाता तो सीज़न 2 कभी भी नहीं आता। तो वैसे ही है ना, वैसे ही सेम ही है, सारी के सारी चीज़ें शो की तरह ही है। एक शो में अगर TRP नहीं आती है तो उसको जो है ऑफर कर दिया जाता है, तो वैसे ही म्यूज़िक एल्बम में भी वैसे होता है, एंड फैंस ऐसा ही कर रहे हैं। एंड हैली की बात को लेकर, हैली शाह की इस बात को लेकर उन लोग फैंस जो है उनका प्रॉब्लम नहीं देख रहे, उनका वो म्यूज़िक एल्बम में नहीं आ रहे,
किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो किसी का प्रॉब्लम देखो ना कि वो किस चीज़ के लिए नहीं आ रहा है उसको देखो। तो फैंस जो है गलत सोच रहे हैं एंड गलत कर भी रहे, सो सारे के सारे जो जो फैंस ऐसा कर रहे हैं फिर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको जो है बहुत ही बुरा लग रहा होगा। बट मैं आप लोग को बता दूँ, आई एम सॉरी टू से गाइस, क्योंकि आप लोग जो ऐसा करिए गलत, हमारी हेलिशा के साथ ऐसा आप लोगों को बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सो यही था बस अपडेट हेलिशा की, इसलिए म्यूजिकल एल्बम की शूटिंग अभी नहीं कर सकती, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। अगले वीडियो पे मिलता है कोई ना कोई न्यू अपडेट्स के साथ।